चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो मेरा नाम है डॉक्टर हरदीप कौर और गर्मी बहुत है। हर वीडियो में बोलती हूँ गर्मी सच्ची बहुत है यार। समर्स आ ही गए फाइनली और हम मई के महीने तक पहुंच चुके हैं। मुश्किल से, आसानी से, जैसे भी करके हम सब ने इस लड़ाई के साथ बहुत अच्छे से लड़ा है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं सक्सेसफुली एंड वी होप कि आगे भी सिचुएशन ऐसे कंट्रोल में रहे। और अवॉइड द पसीना ऑन माई फेस, क्योंकि एसी और पंखा नहीं चला सकती, क्योंकि आवाज आएगी वीडियो में और आपको मेरी प्यारी धुन नहीं आ पाएगी। तो एनीवेज, आज की वीडियो है मिलाजमा वालों के लिए। मिलाजमा होता क्या है आपको मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली भी वीडियो जाके देख सकते हो। जो आपको फ्रेकल्स आते हैं, जो आपको नाक पे शाइयाँ आती हैं, जो आपको फोरहेड पे आती है शाइयाँ, यहाँ पे लाइन बन जाती है, नाक पे लाइन बन जाती है, यहाँ पे आपके दाग होते हैं, यहाँ तक आते हैं, यूजली साइड्स पे आते हैं, सन एक्सपोजर और हॉर्मोन की वजह से यूजली आते हैं, क्योंकि मैं पसीना पूंज ही लूँ। तो देखो, मेरी तो ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है, फिर भी मेरे इतना ऑयल आ रहा है। भाई गर्मियां हैं, इस गर्मियों में जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं ना कि हमारी गर्मियों में ऑयली स्किन हो जाती है, मेरी भी ऑयली स्किन हो गया। आपके सामने देखो, मैं घर वाले कपड़े में बैठे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। इतना बुरा हाल है गर्मी से, और पंखा ना चलाओ तो बस बस ऐसे ऐसे ही करना पड़ता है सारा दिन। तो एनीवेज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो वीडियो है ये है मिलाजमा के ऊपर। मिलाजमा के लिए शीट मास्क हम कैसे बनाएंगे। शीट मास्क मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि घर पे कैसे बनाना है। ये वाला स्पेशली है आपके मिलाजमा के लिए। तो अगर आपको मिलाजमा पिगमेंटेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने के पुराने दाग है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको कभी 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 भी नहीं भूलनी, वो है कोई भी शीट मास्क, कोई सीरम, कोई ऑयल, कुछ भी लगाते हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करते हो, फेशियल टाइप करते हो, आपको गर्म पानी हमेशा यूज करना है। गर्म पानी से स्क्रब करो। जैसे आज तीसरा दिन है ना, आपने आज स्क्रब किया, अभी मैंने गर्म पानी से स्क्रब किया, मेरे चेहरे को पसीना आ गया, मेरा फेस एकदम से ब्राइट हो गया स्क्रब करने के बाद। अब मैं अगर अपने चेहरे पे शीट मास्क लगाऊंगी ना, वो डबल इफेक्ट देगा। नॉर्मली लड़कियां क्या करती है, वो बिना कुछ सिंपल मुंह धोया, मुंह भी नहीं धोया, बस ऐसे शीट मास्क लगा लिया और फिर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर ऊपर तक रह जाएगा। आपको स्किन के अंदर की लेयर्स तक जाना है, उसके लिए आपको डेड स्किन को रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से अंदर चला जाए स्किन के अंदर। सो इसीलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको सबसे आम चीज जो आपके घर पे अवेलेबल होगी, जैसे पिछली बार मैंने बोला था, सिंपल सॉफ्ट सा कोई भी टिश्यू पेपर लेना है। और आपको पहले भी बताया था कि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई ये साइज काटो, इतनी आंख, इतना मुंह, जैसे मेरा तो इतना मोटा मुंह, मेरे तो चेहरे पे पूरा भी नहीं आएगा ये, कोई किसी का मुंह बहुत पतला हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप इसके रैंडम ऐसे काटो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक काट के रैंडमली, इसको मैं तो फाड़ ही रही हूँ, जैसे रैंडमली लिया ये वाला हिस्सा, लिया इसको यहाँ चिपका दिया ऐसे करके। मैं बताती हूँ आपने इसमें डालना क्या है। पिछली वीडियो में मैंने पोटैटो यूज किया था, तो इसलिए उसका जो वाटर बच गया था वो मैंने रख लिया, और आपने देख लिया वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया है, वो बिल्कुल विटामिन सी की गोली जैसा रंग हो गया इसका, जो कि आपको नहीं यूज करनी अपने चेहरे पे। तो मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्लिसरीन अपने हिसाब से, जितना लिक्विड मेरे को अपने फेस के लिए चाहिए। आई थिंक मैंने हाफ टी स्पून डाली है, थोड़ी सी और डाल लेते हैं ग्लिसरीन, एंड ग्लिसरीन चलेगी इसके अंदर। यह है पोटैटो का जूस, जो आपको पता ही, आपने हर वीडियो में, आई थिंक हजारों वीडियोस में देखा होगा कि आलू लीजिए, छीलिए, इसको ग्रेट करिए, इसका पानी निकालिए। तो मैंने इसका ऐसे गाढ़ा गाढ़ा वाला भी रख लिया इसके अंदर, मैंने सारा लिक्विड नहीं रखा, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बीच में हम डालेंगे रोज वाटर, जितना आपको हिसाब चाहिए, जितना आप लिक्विड ही चाहते हो उतना आप अपने हिसाब से इसमें रोज वाटर डाल सकते हो। मेरी एलोवेरा अभी खत्म हो गई है, जी हाँ, मेरे पास भी एलोवेरा खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं एलोवेरा नहीं डाली, नहीं तो आपको इसमें एलोवेरा भी डालनी है। अब आपको करना क्या है, देखो आप इसमें कॉफी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कॉफी एडवाइस नहीं करती, क्योंकि कॉफी बहुत ज्यादा देर स्किन पे रहेगी तो आई थिंक गड़बड़ हो सकती है। नींबू नहीं डालना है, क्योंकि नींबू भी स्किन के लिए नहीं सही है। तो मैं एडवाइस करूंगी, देखो टमाटर डाल सकते हो आप, ठीक है, पाइनएप्पल डाल सकते हो, उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। मुझे हनी इतना सूट नहीं करता, मैंने हनी नहीं डाला है, लेकिन आप इसमें हनी, एलोवेरा, मेन चीजें क्या है, आलू को ग्रेट करके उसका पानी और ग्लिसरीन, और इसको पतला करने के लिए चाहे रोज वाटर चाहे एलोवेरा, ये तो मेन है। देखो अगर आपको नींबू सूट करता है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि नींबू मत यूज करो, नींबू डालो बेशक डालो, लेकिन एडवाइस मेरे से पूछोगे कि करो, मैं रेकमेंड करती हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करती कि नींबू आप अपने चेहरे पे लगाएं। मैं दही भी नहीं रेकमेंड करती, मैं सिर्फ दूध रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज इट हैज लैक्टिक एसिड विच इज गुड, एंड बट आई डोंट रिकमेंड दही और नींबू बिल्कुल भी। तो आप प्लीज उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहे, तो आपको समझ आ गया होगा। देखो अभी ऑलमोस्ट सही है, मतलब इतना लिक्विड बन जाएगा, विच इज ठीक है एक बनाने के लिए ना, एक मेरे लिए अभी शीट मास्क बनाने के लिए आई थिंक इट्स इनफ। तो हमने जो वो रैंडम टिश्यू फाड़ा था, वो मैं इसमें हल्का सा डिप करूंगी। डिप करने के बाद
उसको हम अपने, ज्यादा ही हो गया डेप, तो उसको हम अपने चेहरे के ऊपर ऐसे लगा लेंगे। जैसे मैंने अभी लगा लिया, कोई शेप कोई डिजाइन ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसी शेप काटी है, क्या है इसका सिस्टम, वो मैटर नहीं करता। ध्यान से, उसमें ज्यादा लिक्विड है तो आपके कपड़ों में जा सकते हो, इसलिए मैं सारी वीडियोस अपनी घर वाले कपड़ों में बनाती हूँ। आप देखते होगे, नोटिस करते होगे, कोई मैंने फैंसी कपड़े नहीं पहने होते, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी होती। तो मैं देखती होती हूँ बाकी यूट्यूबर्स की वीडियोस और मैं सोचती होती हूँ यार कि कितनी अच्छी लगती होती है, उन्होंने इयररिंग्स डाले होते हैं, इतना तैयार हुई होती है, लिपस्टिक्स लगाई होती है। आप जरा मुझे कमेंट करके बताना ये चीज, देखो मैं सेम हो रही, कि क्या मैं तैयार होके वीडियो बनाया करूँ कि मैं ऐसे भी ठीक, मतलब चल जाता है मेरा काम। मैंने पहले भी पूछा था तो ज्यादा कमेंट्स नहीं आए थे या शायद मैंने नहीं पढ़े थे, तो आप मुझे बताना। क्योंकि मुझे कई बार ऐसे ना घर वाले भी बोलते हैं यार तो ऐसे ही चल जाती है। मैं सोचती हूँ यार आप भी तो घर वाले ही हो मेरे, यूट्यूबर्स भी, तो मैं तो आपके साथ ऐसे फॉर्मेलिटी करती ही रही हूँ कि हाँ स्पेशल तैयार हो गए। एक दो बार हुई हूँ मेकअप वाली वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद ये चीज जब प्रमोट करती हूँ कि भाई मेकअप से ज्यादा आप अपनी स्किन पे ख्याल रखें, तो फिर मैं खुद अगर सारे मेकअप पहनूंगी तो आपको कैसे पता लगेगा मेरी असली स्किन कैसे है। तो अब हमने माथे पे सिंदूर, ओह गॉड, ये थोड़ा सा मेसी काम है। आई मीन आई नो आप 100 रुपए वाला खरीद के 2 मिनट में लगा के आप कर सकते हो वो चीज के 2 मिनट में लगाया और हो गया, लेकिन जो घर पे सेटिस्फेक्शन आती है ना ये मेहनत करके और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं स्किन के ऊपर, वो सबसे बेस्ट होता है। बस आपको बचना चाहिए कि इनसे कोई साइड इफेक्ट ना हो। वो आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि आप पहले पैच टेस्ट क्या करो। तो हमने नथुलाल जी की मूछें लगा के ये हमारा जो कार्यक्रम था हमने समाप्त करते हैं। मैं हिंदी और पंजाबी में हमेशा मिक्स हो जाती हूँ यार, ये मूछें कभी नहीं दिखती मेरी, मैं क्या करूँ। जब भी मैं मूछों तक पहुंचती हूँ ना मेरी मूछें, ये देखो कभी दाढ़ी निकल आती है, कभी मूछें निकल आती है। तो नहीं, ये तो चलता रहेगा। आपको ये लगाने के बाद आराम से बस लेट जाना, मेरी तरह वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि आप बहुत ही ऐसे लगोगे जैसे मैं लग रही हूँ। तो अब आप जाके, जैसे मैं अभी आराम करूंगी, थोड़ी देर आराम कीजिए, इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, और अगर आप चाहते हो इसको आधा घंटा उससे ज्यादा देर लगाना, गाने लगा के आराम से अपना ना मस्ती से इंजॉय करो लॉकडाउन जितना रह गया, तो आप जो वाटर बच जाता है, नहीं बचता तो सिर्फ रोज वाटर के साथ इसको और लिक्विडी करते रह सकते हो ताकि ये बनता रहे। मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं मूछें उतार देती हूँ। तो इसलिए आप इसको लगा के रख सकते हो, काफी देर लगा के रख सकते हो, जितनी देर आप चाहते हो। मैंने पहले भी बताया था ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपके मिलाजमा और पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी कम करेगा। पर आपको अकेला नहीं करना, आपको हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब और जब भी बाहर जाते हो तो कम से कम 50 SPF की सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। मैं आपको डांट के बोल रही हूँ, मेरी मासी, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे बच्चे, जो भी मेरी बातें सुन रहे हो, आपको प्लीज 50 SPF की सनस्क्रीन लगानी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप बाहर जाते हो, उसके बिना आपके ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी, चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 15 साल पुरानी हो। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है, आई डू डर्मा प्लानिंग, मेरे पास आई हो, डर्मा प्लानिंग करवा के जाइए, उससे भी आपके फर्स्ट सिटिंग में कम से कम 50% रिडक्शन आती है पिगमेंटेशन में, शाहियों में। तो आप आइए, और अगर आप पंजाब से हैं और पंजाब के आसपास किसी भी एरिया से हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप डर्मा प्लानिंग करवाने आना चाहते हैं कि नहीं, येस और नो करिए। और आई थिंक मैं इस वीडियो के नीचे शायद अपने डिटेल्स बता दूंगी, आई थिंक हाँ इसी वीडियो के नीचे मैं डिटेल, अब इस वीडियो के नीचे आई विल गिव ऑल माई फोन नंबर डिटेल, ऑल माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस हिसाब से मुझे। आप देख सकते हो कि कब आप मुझे विजिट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कॉल पे ही लेनी है आपको, अगर आप अपॉइंटमेंट्स के बिना भी आते हो तो भी मैं कर दूंगी क्योंकि आई डोंट लाइक टू सेंड यू गाइज बैक आने के बाद, सो यू गाइज कैन कम एंड गेट इट डन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट लेके ही आए। तो यही बताना था, और इसके बाद मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ 10-15 मिनट के बाद। तो जैसे कि हम आ गए हैं, मैंने 2-3 बार इसको दोबारा से गीला किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको रिमूव करते हैं आपके सामने धीरे धीरे, एंड इट्स डन। एंड चेहरा एकदम से ब्राइट, जो कि मुझे पता ही था होना ही है, लेकिन इसको अब अच्छे से जो लिक्विड रह जाता है उसको स्किन में अच्छे से, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है क्योंकि मैंने पहले स्क्रब भी किया था, मेरी स्किन हद से ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अब आप देख सकते हो ये रिजल्ट है, और आप अगर आप इसको रेगुलरली करते हो, जैसे मेरे पिंपल के ना ये दाग थे ये लाइट होने शुरू हो गए हैं, तो अगर आप इसको रेगुलरली करते हो आपको रियलाइज होगा कि आपके जो भी दाग शाइयां कुछ भी वो अचानक से सब कुछ अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। सो ये प्लीज ट्राई करो, ये सबसे बेस्ट शीट मास्क है। इसका कलर जरूर रेड एंड और ब्राउन सा हो जाएगा, बट दैट्स ओके क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है आलू में और वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स एक बार मुझे और बताने थे एंड में, आप ये ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना।
आप लोग जो मेरे को कमेंट करते हो ना, माय गॉड, इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। कई कमेंट्स तो इतने ज्यादा प्यारे होते हैं ना, मतलब मैं इतनी ऐसे खिल जाती हूँ, मेरा दिन बन जाता है। रात को देखती तो ऐसे पूरी रात भर सोचती रहती हूँ, वाह यार इतना अच्छा कमेंट आया था, अपने घर वालों को दिखाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। आप लोग मेरे को बहुत खुश करते हो, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, मतलब मेरे लिए सच्ची बताऊँ इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। कि अगर आप लोग मेरे को ऐसे बोल दो ना कि हाँ आपको सूट किया, या फिर कई बार सूट नहीं भी किया होगा पर आप फिर भी इतने प्यार से लिखते हो कि ये सूट नहीं गया दीदी आप प्लीज कुछ और, मेरे को इतनी खुशी होती है। मैं हूँ चाहे 25 साल की, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, पर आप इसे प्यार से दीदी बोलते हो या बहन बोलते हो, इतनी खुशी मिलती है ना। मतलब प्लीज ये चीज कभी छोड़ना मत, आप लोग मेरे को बहुत प्यारे हो, तो ये चीज हमेशा करते रहना, मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट करती रहती है। मेरा दिल करता रहता है आप लोगों के लिए और वीडियोज बनाऊँ और वीडियोज बनाऊँ, तो यू नो बहुत खुशी सी होती है। बहुत ऐसे ऐसे नहीं लगता कि मेरा काम है, ऐसे लगता है बस आप लोगों के लिए बस बनाती रहूं। तो आई एम सॉरी कई बार मैं रिप्लाई करने में जरूर वो ढीली हो जाती हूँ, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो के नीचे मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगी, कमेंट्स में भी आपका रिप्लाई करूंगी। क्योंकि अब हम मोस्ट प्रोबेबली 1 जून के बाद मैं देखना शुरू कर रही हूँ पेशेंट्स, और उसके बाद हम मिलते हैं। जिन लोगों को डेमो प्लानिंग करवानी है वो आ सकते हैं, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्वीट स्वीट कमेंट्स। आप प्लीज कमेंट्स हमेशा करते रहिए, मुझे बहुत प्यारे लगते सब लोग, सबके कमेंट्स मैं लाइक भी करती हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, पर कई बार थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर किसी और ऐप पे, फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, आपको पता ही है वो कैसे चलता है। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग के यू नो टाइम लगता है, कई लोग थोड़े से रूड हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा कमेंट्स वगैरह डालते हैं, पर मैं भी मजाक में ले लूँ कि ठीक है यार अगले का दिन अच्छा नहीं चल रहा होगा इसलिए अगले ने मेरे को ऐसे ना लिख दिया होगा, चलो कोई बात नहीं। पर मैं तो अपनी बॉडी में बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कई लोग बोलते तो मोटी लगी तो वैसे लगे, मुझे पता नहीं, मैं अपनी बॉडी में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही फील किया कीजिए, किसी की बातों को बुरा मत माना कीजिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने किसी का भी बुरा मत मानो, मेरे कहे का भी बुरा मत माना करो। बस हमेशा ख्याल रखो कि आपकी स्किन आपकी जिम्मेवारी है, और आप ये सब चीजें टेम्परेरी है, मैं जो भी आपको सिखाती हूँ ये सब चीजें सिर्फ आपको टेम्परेरीली एक रिजल्ट दे सकती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन आपके अपने हाथों में है, कोई डॉक्टर की दवाई में नहीं है। आप अपनी स्किन की रेगुलर गुड केयर करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो यू डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। बाय बाय।